फोर्स, ये आपके क्वेश्चन है फुटप्रिंट विदाउट फिट से, ये भी आपके पेपर में आएगा। समझ आ रहे तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो भी आपके कल के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट चीज बन सकता था ये मैंने आपको बता दिया। इतना भी तैयार करके जाते हो तो इतना मोर देन सफिशिएंट, इससे बाहर आपके पेपर नहीं होगा। बस जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया वो चीज मेरे भाई, कल जो पेपर है आपका इंग्लिश का, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, या कुछ क्वेश्चन ऐसे है जो हर बार रिपीट हुए हैं वो भी ऑफिशियल है, वो सारी चीजें डिस्कस कराओ। बस कंप्लीट देखना जिससे कल के पेपर में आपके अच्छे नंबर बन पाए, क्योंकि कल का पेपर मिड टर्म आपका अच्छा गया तो जब भी आपके बहुत सारे आगे प्रोसीजर भी ठीक होगा। तो मेरे चलो आप देखते हैं यहाँ पे देखो, एक तो आपके सामने मिड टर्म में आई थिंक इस बार ग्लिम्पस ऑफ इंडिया नहीं आ रहा है, एक बार चेकआउट कर लेना। लेकिन अगर पिछली बार जो सिलेबस में था ग्लिम्पस ऑफ इंडिया से 3 नंबर के क्वेश्चन मिले थे, उसके बाद आपके पास सारे सारे क्वेश्चन है इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो, हाउ डज द इल्यूमिनेट द परफॉर्म द इम्पैक्ट ऑफ द सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट एनकाउंटर्स ऑन द स्पीड। तो मेरे भाई ये 10 ऑप्शनों से आए हैं, जब ऐसे क्वेश्चंस आएगा तो क्या करना पड़ेगा दोस्त, मैंने सीधा बताया आपको, SUMMARY समरी तैयार करो एटलीस्ट 10 to 15 लाइन में, और ये 10 to 15 लाइन आपके लिए भाई रामबन साबित होगा, क्योंकि जब आपके पास समरी होगा क्वेश्चंस का लॉजिक आपको समझ आएगा तो समरी एड ऑन कर सकते हो वहां पे, समझे। उसके बाद आपके साथ क्वेश्चंस है, और ये भाई 2 स्टोरी अबाउट फ्लाइंग से, ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्या बोला मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इनके क्या करो 10 से 15 लाइन की एटलीस्ट समरी तैयार करो, क्योंकि यहाँ से आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, उसको कोई नकार नहीं सकता मेरे भाई। तो ये पॉइंट आपके लिए हो गया। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इन द चैप्टर 2 स्टोरी अबाउट द फ्लाइंग डिस्क्राइब हाउ द सीगुल एंड द एक्सप्रेस हिज एक्साइटमेंट ऑन द सेइंग हिज मदर ब्रिंगिंग फूड फॉर हिम एंड व्हाट रीजन माइट हैव टू कंट्रीब्यूटेड हिज जॉयफुल रिएक्शंस। कुछ नहीं करना, आपको पूरी पूरी जो जितने भी समरी है ये छाप दोगे फिर भी आपके पूरे नंबर बनेंगे, तो समझ लो पूरे नंबर उठाने ये सारे करके जाओ। अभी पूरा तो देखो समझ आ जाएगा सारी चीज, जब इतनी सारी चीजें हो जाती है फिर आपके पास लास्ट टाइम देखा गया ये जो वॉल पोएम है, वॉल पोएम से भी क्वेश्चंस आए हैं आपके सामने, फिर आपके पास ये तो आप जानते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही, बेस्ड ऑन द स्टोरी What can be inferred about the reason behind the Lancho and his family distract? How did Lancho seek assistance from the difficult situation? A letter to God. ये जानते हैं सबसे पहला चैप्टर की फर्स्ट प्लाइट फुटप्रिंट्स का फर्स्ट प्लाइट का है मेरे भाई। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, इन चैप्टर्स के समरी तैयार है तो आप वैसे ही कर सकते हो। एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा है सही से तो Lancho ने कितने पैसों की डिमांड किया था, बताओ भाई कितने पैसों की डिमांड की थी, आप लोग कमेंट करके बताओ आपने सही रेट पे क्वेश्चंस किया है, समझे भाई। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन आता है जो कि 40 से लेकर 50 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। सबसे पहला, इन द चैप्टर ऑफ ट्रंप ऑफ सर्जरी हाउ डिड मिसेस पेंट्री एक्ट ऑन बीइंग somewhat cruel contribute her ability to show her kindness tricky, मतलब elaborate करना, इस तरीके की चीजें जब भी आ जाए elaborate करना है, ये क्या करना है, तो ये आपके पेपरों में ये देखो भाई ये आएगा तो पक्का 110%, क्योंकि ये आएगा ही आएगा 100% है। लेकिन इसका मतलब क्या है, आपको जो भी इनकी information इन दोनों के relation से पता है वो आप answer में लिख दो, जिससे आपके total 3 नंबर मिल जाए, समझ रहे हो बात को। तो अभी जितने चैप्टर बता रहा हूँ इनको आप समराइज करो, इससे पहले कम्युनिटी पोस्ट में ये डिस्क आपको जो कम्युनिटी जो कमेंट बॉक्स है वहां पे एक वीडियो का लिंक पिन होगा, उससे भी आप कर लो, वहां से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी दोस्त, समझे। तो चलो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, He was the most trusting person I had ever met. देखो भाई, why did Hari Singh consider the person he met to be exceptionally trusting? Did the trust gap the betray the king or the thief story? ये भी आपके साथ most important chapter है, यहाँ से तो भाई आपके लिए आना ही आना पेपर है, ये भी मैं 100% बता रहा हूँ। तो इसका क्या करना, आपको इनकी भी समरी तैयार करो, ये आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, समझ रहे हो दोस्त। जितना चीज बता रहा हूँ भाई ये भी एक्सपीरियंस आपके पेपर में आएगा, मतलब आएगा ही आएगा, समझे दोस्त। ये आप यहाँ से तैयार कर लो। उसके बाद आपके सामने आ जाता है मिडनाइट विजिटर, अगर भाई ये वाला देख लेना नेक्स्ट पर्पस, क्योंकि भाई थोड़ा सा माइंड से हाँ, लेकिन मैं सिलेबस साफ बताते हैं 3 चैप्टर तो उसके पूरे पूरे आते हैं, फिर एक चीज देख लो मिडनाइट विजिटर से अगर आए हो, क्योंकि लास्ट ईयर के इसी टाइप के क्वेश्चन है थे। फिर आपके पास ये भी आपके पास 100% है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनेगा। नेशनल मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आप बता सकते हो नेशनल मंडेला कौन से कंट्री से था भाई,
यहाँ पे कौन से कंट्री से था, आप लोग कंट्री कमेंट करके बताओ किस कंट्री से था। क्वेश्चन देखो, हाउ डिड नेल्सन मंडेला अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड द एक्सपीरियंस, हाउ मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। मतलब कि जो नेल्सन मंडेला जी थे, किस तरह से अपने देश के लिए मतलब लड़े और अपार्थिस के खिलाफ उस सारी चीज को एक फ्रीडम तौर पे ले आया, समझे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इन द स्टोरी कुछ स्टोरी फ्लाइंग मैंने आपको क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लैक एरोप्लेन वॉज द पायलट ऑफ द डकोटा एयरप्लेन रिलेइंग हिज इमेजिनेशन, क्या भाई इमेजिनेशन और द हायर फोर्स व्हेन द सेफली लैंडेड द प्लेन, डू यू बिलीव दैट इंस्टेंट ऑफ हेल्प ऑफ द इंटरवेंशन लाइक आगे भी थोड़ा सा क्वेश्चन भाई यहाँ पे, वन एक्सपीरियंस बाय द पायलट एंड द स्ट्रगल सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ द गाइडिंग पावर अबाउट द चैलेंजिंग टाइम्स एलिबरेट, ये भी आपके सामने आ रहा है। बस कुछ नहीं करना, लॉन्ग क्वेश्चन है, छापना शुरू, जो आप समरी याद करके जाओगे। ये क्वेश्चन होने के बाद फिर आपके पास क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द टू थीव्स लैक ऑनर इन द स्टोरी ऑफ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, मैंने आपको बता दिया ये क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट 100,000% आएगा ही आएगा भाई, ये मैं अभी भी लिख के दे रहा हूँ। तो मेरे भाई आपको ज्यादा इसको याद नहीं करना है, 10 से 15 लाइन में आपको कुछ नहीं करना, आप समरी तैयार करो, आपका पेपर तैयार, कल पेपर में ये दिखेगा, समझे भाई। क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू यू रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी रैशनलाइज योर आंसर विद 100 क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, बताओ भाई ये रैशनलाइज, ये मैथ्स का पीछा अभी भी नहीं छोड़ रहा, ठीक भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने, फुटप्रिंट डॉट फिट से है, साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, क्या भाई साइंस जो है एक गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर, हाउ डज द फ्रेजेस अप्लाई टू द ग्रीक्स एंड द साइंटिफिक डिस्कवरी, तो समझे भाई एलिब्रेट करना ऑन द आइडिया बाय यूजिंग एग्जांपल फ्रॉम द टेक्स्ट टू हाउ टू ग्रीक्स एंड हिस्ट्री ओवर साइंस बिकम्स बोथ बेनिफिशियल टूल एंड द डेंजरस फोर्स, ये आपके क्वेश्चन है, फुटप्रिंट विदाउट फिट से ये भी आपके पेपर में आएगा, तो समझ आ रहे। तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो भी आपके कल के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट चीज बन सकता था ये मैंने आपको बता दिया, इतना भी तैयार करके जाते हो तो इतना मोर देन सफिशियंट, इससे बाहर आपके पेपर नहीं होगा, बस जो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया वो चीजें कर लो, रामबा ने साबित कर दो अपने आपको भाई 100% 70 प्लस ले जाओगे, बट कल पेपर में सीबीएसई की जो मार्किंग स्कीम होता है उसके अकॉर्डिंग देखना, एप्लीकेशन आप अपने एसएस पार्सल लिंक डिस्क्रिप्शन वहां से कर लो, 10th वाली कैटेगरी में जाओगे, जब 10th कैटेगरी में ई बुक में जाना, ई बुक में आप सीबीएसई मार्किंग स्कीम जरूर लेना जो मार्केट में भाई नहीं मिल सकते कहीं पे, क्योंकि सीबीएसई का आरटी डलवा के मंगवाए गए हैं। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट आप लोग से, मौज करो मस्ती से, बस आगे पेपर होगा, फिर आपको प्री बोर्ड के बताता हूँ क्या क्या नहीं, 20 से 25 दिसंबर में आपके प्री बोर्ड भी शुरू हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।